दिल्ली के अंदर आप अगर हम एग्जांपल देते हैं केजरीवाल का, तो कांग्रेस की सरकार 15 साल शीला रही है, 15 साल की सरकार रही है शीला दीक्षित की। जब पब्लिक को जब उखाड़ के फेंकना होता है तो वो कोई कैंडिडेट नहीं देखती है, कोई मुस्लिम हिंदू सिख नहीं देखती है, वो अपना काम करती है। और देखना आप यूपी के अंदर भी ऐसा ही होगा, और यूपी के अंदर भी इस बार जो है करारा तमाचा मिलेगा। बारे में कहावत है ना, जो आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। जो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसकी बदकिस्मती होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है सर साहब को किसी की जरूरत है, किसी की। वो अकेले में बैरिस्टर हैं और अकेले में वो काम काफी है। अब ये दिमाग से निकालने मुलायम सिंह अखिलेश यादव बेवकूफ नहीं है आजम खान जी, तो लगने तो आचार संहिता मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ेगा, सब एक खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। अब सब समझ गए, कौम के लोग दर्द को समझ गए, उन बहन बहनियों की इज्जत को समझ गए, तार तार की जाती है। तो ओवैसी के साथ और कौन जुड़ रहा है अभी सर हमारे साथ, उनसे सीधा जानेंगे कि क्या विचार के सहित इस बार यहाँ पे अलीगढ़ के अंदर भी वो दहाड़े हैं। अलीगढ़ की जनता और तमाम मुस्लिम नेता भी जब यहाँ खड़े होंगे समाजवादी से, तो कैसे उनको रिझा पाएंगे, क्या लगता है क्या रणनीति अलीगढ़ के लिए? ये रणनीति यही है कि मुस्लिम समाज को जो है एक रहनुमा देना है, मुस्लिम समाज को एक इकट्ठा करना है, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। बस यही एक रणनीति है, बस यही रणनीति है। लेकिन और भी जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी से ही अलीगढ़ में लड़ेंगे, तो क्या लगता है इधर वोट का बंटवारा नहीं होगा इससे फिर बीजेपी? दिल्ली के अंदर आप अगर हम एग्जाम्पल देते हैं केजरीवाल का, तो कांग्रेस की सरकार 15 साल शीला रही है, 15 साल की सरकार रही है शीला दीक्षित की। जब पब्लिक को जब उखाड़ के फेंकना होता है तो वो कोई कैंडिडेट नहीं देखती, कोई मुस्लिम हिंदू सिख नहीं देखती है, वो अपना काम करती है। और देखना आप यूपी के अंदर भी ऐसा ही होगा, और यूपी के अंदर भी इस बार जो है करारा तमाचा मिलेगा, जो भी पार्टियां रही हैं जिन्होंने यूपी के अंदर अभिजीत साहब सिख को टिकट देंगे। देखिए ये हैदराबाद से है, असद साहब के हाथ में है, शौकत अली साहब के हाथ में है, और इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। बाकी अगर टिकट मिलेगी, अगर हमें कोई जिम्मेवारी मिलेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम साथ साथ से पार्टी में हैं और हम लोग बिल्कुल साथ रहेंगे, जहाँ भी हमारा जहाँ भी अगर हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। आज भी रैली में देखा गया कि हाँ बात तो सबकी करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मुसलमान एक हो जाओ, तो वो वाली बात जो बार बार वो टारगेट करते हैं कि मुस्लिम एक हो जाओ, तो वो कैसे मतलब लोग मानते हैं कि हाँ हिंदू के सर मैं सिख एक हैं, क्रिश्चियन तो बहुत कम है, वो भी एक हैं, वो भी संडे के संडे अपने गिरजाघर जाते हैं, हिंदू तो एक है ही, उन्होंने अपनी सरकार बना ली हुई है, अब रह जाता है मुस्लिम की बात। जब मुस्लिम अपनी एक नहीं होंगे, अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, तो उनकी जो है आने वाली नस्लें जो है बद्दुआएं देंगी, उनको जो है उनको गालियां पड़ेंगी कि हमारे दादा परदादाओं ने क्या किया उस समय, जब सभी कौमें अपने लिए अपने काम कर रही थी। बार बार इसका दो मतलब हो जाए सर, एक होने का मतलब होता है कि देखिए काफ़ी सारे मुस्लिम कैंडिडेट आ जाते हैं, उनमें जो है कई बार आदमी भटक जाता है, सोचता है कि यार ये भी मुस्लिम है, ये मेरा काम करेगा, लेकिन उनके पीछे जो उनकी जो पीछे है वो उनकी जो पीछे सोच है वो बनिए वाली सोच है, वो पंडितों वाली सोच है, वो ब्राह्मणों वाली सोच है। अगर आपके कायद अगर आपकी 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 मजहब को पहचानते होंगे, आपके मदरसे को पहचानते होंगे, आपकी परेशानियों को पहचानते होंगे, आपकी बहन बेटियों को की परेशानियों को जानते होंगे, तो वो अच्छा काम कर पाएंगे बनस्पत की किसी और पार्टी के मुकाबले। तो लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा भड़काऊ भाषण इनका हो जाता है, लगता नहीं कि हाँ हमारे पास बीच में रहेंगे बाद में अगर कुछ हो जाता है तो? नहीं सर, भड़काऊ भाषण नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है, उनको बताना पड़ता है कि किसी भी कौम को जगाने के लिए उसको जो है उसको झंझोड़ना पड़ता है। जब एक कौम सो जाती है तो उसको पानी की छींटे मारने पड़ते हैं, उसको झंझोड़ना पड़ता है तभी वो उठता है, तो उसको कौम को जगाने की काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और कहा जाता है कि एक तरफ अखिलेश को ये गिलाते हैं, वहीं से कहते हैं कि उनको हमारा साथ देना पड़ेगा, तो कैसे देखते हैं अभी? देखिए जो देगा, हमारे में कहावत है ना, जो आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। जो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसकी बदकिस्मती होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है सर साहब को किसी की जरूरत है, किसी की। वो अकेले में बैरिस्टर हैं और अकेले में वो काम काबिल है। सर क्या कहेंगे सर, जिसके हिसाब से अलीगढ़ के अंदर माहौल बन रहा है, तो क्या लगता है वोट बैंक में बन पाएगा? इंशाल्लाह वोट बैंक बनेगा, क्योंकि हमारी नस्लें तबाह हो गई। लस्सर मिर्च प्याज बेच रही है, लस्सर चला रही है, मजदूरी कर रही है, 75 साल में कुछ मिला नहीं इस कौम को। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम के जो है और जो हमारे और जो दलित भाई आई रहे पुंडीर हैं, जो लोग हैं सब हमारे साथ हैं, और हमें इस बार मिलेगा, क्योंकि सब इंसाफ चाहते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। 545 में एक ही ऐसा एक पार्लियामेंट के अंदर शेर है जो संविधान के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और संविधान के अकॉर्डिंग ही लाना चाहते हैं सबको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, हमें हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन इस तरह बोला तो जाता है, लेकिन तमाम इतनी बड़ी पार्टी है 20 साल से अगर देखा जाए तो समाजवादी ही मुस्लिम को लेकर चल रही है, तो लोग इतनी जल्दी कैसे हट जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे पास विकल्प ही नहीं था, हमारे बुजुर्ग घुटनों पर गिर चुके थे, क्योंकि विकल्प नहीं था। हमें तो यही होता था रुक जाओ, कोई सरपरस्त आया नहीं। अब ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने ऐसा हमारे अंदर लीडर पैदा कर दिया कि अब हम अपने दूल्हे की बारात लेके जाएंगे, इनको हमारी बारात में चलना पड़ेगा, अब हम दुल्हन लाएंगे और दहेज लाएंगे, इनकी बारातों में नहीं जाएंगे। समाजवादी वाले कहते हैं अगर आजम खान जेल से भी
चुनाव लड़ेंगे तो भी जीत जाएंगे, अभी इतनी इनकी वैल्यू नहीं है उत्तर प्रदेश क्यों जीत जाएंगे। अब ये दिमाग से निकाल दे मुलायम सिंह अखिलेश यादव, बेवकूफ नहीं है आजम खान जी, तो लगने तो आचार संहिता मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ेगा, सब एक खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। अब सब समझ गए, कौम के लोग दर्द को समझ गए, उन बहन बहनियों की इज्जत को समझ गए, तार तार की जाती है। एक जवान भाई को बांध के डाल दिया जाता है, उसकी मासूम बहन के कपड़े उसके सामने उतारे जाते हैं, उससे पूछो कैसे चीख निकल जाती है। क्या बोले अखिले जी, क्या बोली बहन जी, क्या बोली भाभी जी, सोनिया जी बोले तो अकेले बैरिस्टर बोले, जिन्होंने न कभी वोट लिया न नोट लिया न सपोर्ट ली, और सारे गरीब मजदूरों की बात करने वाला इस पूरे भारत में एक ही लीडर है असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा आपने इतनी तारीफ कर दी, ठीक है। मोदी जी कहते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं, हमने घर भी बांटे तो ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, तो क्या कहेंगे। बिल्कुल सही है, परसेंटेज निकालिए, रेशियो निकालिए, बात सही है, बांट रहे हैं, कितने घर बर्बाद कर दिए, जितने बांटे नहीं उतने घर बर्बाद कर दिए मोदी जी ने, मस्जिदों को ताले लगवा दिए, इबादत गाँव से दूर कर दिया गया, भाई बहन को मार रहा है, बहन भाई को मार रही है, इतनी बदहाली पैदा कर दी मोदी जी ने, कहाँ सबका विकास, कहाँ सबका साथ। रेशियो देखिए, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखिए, ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो सुन्नी कौम है हमारी, सुन के मान लाई थी, ये सुनने पे ज्यादा भरोसा करती है, उसी को इसलिए जगाया जा रहा है, जो करें भड़का भाषण देते हैं, इनको जगाया जा रहा है सुनकर नहीं, प्रैक्टिकल करके चलिए, अपना लीडर चुनिए। जिस कौम की लीडरिंग हो जाती है उसकी कौम आबाद हो जाती है, जो लीडरिंग से दूर हो जाती है वो कौम बर्बाद और तहोबाला हो जाती है। जो मौजूदा विधायक होता है, जो अमान की चिली अलीगढ़ के अंदर, वो ज़्यादा मजबूत होता है तो आवाज़ उठती है, तो उसमें मानते हैं आपके पास इतना मजबूत कैंडिडेट है नूर जी जो है यहाँ पे। हमारे नूर जी गुफरा नूर मजबूत है, एक एक को छह छह को पटक पटक के मारेगा, सेहत के हिसाब से भी और पैसे के हिसाब से भी, समाजवादी का हो या बसपा का हो, आज तो लड़के देख ले, और बाकी आएंगे तो हमारे खड़े हैं नौजवान जिलाध्यक्ष खड़े, हम सब तरह तैयार हैं, पैसे से, पढ़ाई से, लिखाई से, कलम से और घोड़ा गाड़ी से सबसे मजबूत है, इंशाल्लाह ताकत के साथ लड़ेंगे। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, क्यों ना लड़ेंगे, पूरी तैयारी है, मतलब पूरी तैयारी है, मजबूती से, मजबूती से, ठीक है। क्या कहेंगे, लास्ट सवाल यही है, अलीगढ़ के अंदर आज गर्जे हैं तो ये दहाड़ कहाँ तक जाएगी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे पूरा अलीगढ़ साथ देगा। आज हमारा ये जो कैंडिडेट है बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और ये इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो आवाज़ है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जाएगी। और आप जो ये सवाल करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी आपको और ये योगी आपको वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अब हम मुसलमान को जो है भीख नहीं चाहिए, मुसलमान को हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए, MIM पार्टी जो है हिस्सेदारी कायम करेगी। रहा सवाल इस बात का हम किसे समर्थन करेंगे, हम किसे जो है किससे मिलकर लड़ेंगे, पहले हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह 100 सीटों पे लड़ेंगे, 100 में 80 सीटें जीतेंगे, उसके बाद में हम कांग्रेस को करें, समाजवादी को करें, जिसे भी हम समर्थन करते हैं, जिसे हम समर्थन करते हैं हम अपनी शर्तों पर, बीजेपी के अलावा जहाँ तक मैं जानता हूँ बीजेपी के अलावा हम सबको समर्थन कर सकते हैं, बीजेपी को नहीं कर सकते, और हम अपनी शर्तों पे करेंगे। अब हमें जो है हिस्सेदारी चाहिए, अपने जो है बेटे को इसी तरीके से जैसे यहाँ का ब्राह्मण, जैसे यहाँ का जाटव, जैसे यहाँ का यादव सरकारी नौकरियों में और तमाम शोबों में हिस्सेदार हैं, ऐसे यहाँ पर जो है मुसलमान का बेटा भी तमाम शोबों में हिस्सेदारी कायम करेगा, हुकूमत में हिस्सेदारी कायम।